मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आज इसको पढ़ने वाले हैं। इसमें हमको पता क्या होना चाहिए? पहली बात, जब आप ये चैप्टर का नाम पढ़ोगे तो आपको भली भांति ये समझ में आ जाएगा कि हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल फलन के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद भैया फलन के बारे में पता होना चाहिए। अगेन फलन के बाद क्या, फलन के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से फलन को हम लोग प्रतिलोम फलन कहेंगे। यहाँ आपको साफ दिख रहा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो हमको प्रतिलोम फलन के बारे में भी पता होना चाहिए कि प्रतिलोम फलन क्या होता है, प्रतिलोम। लेकिन एक बात है, अगर आप फलन का नाम लोगे तो वहां पर आपका जो है ना, इसको समझने के लिए आपको संबंध समझना ही पड़ेगा। इसका मतलब हम लोग जो चैप्टर 1 पढ़े संबंध और फलन, जिसमें हम लोग संबंध के बारे में जाने थे, तो वो चीज कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका हेल्प करने वाला। हाँ जी, अगर उसके बाद आपको त्रिकोणमिति जो आपने 10th क्लास 11th क्लास में पढ़ा हुआ है वो इसमें हेल्प करेगा। भले ही आप भूल गए होंगे लेकिन हम लोग उसका रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति, हाँ जी, ये चीज़ तो समझ में आ रहा होगा आपको। मतलब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको जो कमांड रहना चाहिए वो क्या, कि फलन क्या होता, प्रतिलोम फलन क्या होता, अगेन त्रिकोणमिति के बारे में कुछ, जैसे कि डिग्री मान क्या है, और फॉर्मूला कुछ आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद ये चैप्टर कुछ भी नहीं है। हाँ जी, तो भैया पहले आप ये समझिए कि फलन किसको कहेंगे। फलन समझने से पहले हम लोग समझ चुके हैं, जैसे हम आपके सामने एक एग्जाम्पल लेते। हाँ भैया, एक एग्जाम्पल लीजिए। जैसे ये संबंध के बारे में हम लोग जानते कि कोई समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है। अब ए के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड 4, ठीक, और बी के एलिमेंट, बी के अंदर का एलिमेंट है 2, 4, 6 और 10। चलिए अब हम लोग ये देखेंगे कि 1 का रिलेशन 2 के साथ हो रहा, 2 का रिलेशन 4 के साथ हो रहा, 3 का रिलेशन 6 के साथ हो रहा। बस इतना सा ही आपको दिया होगा और आपको ये बताना है। अच्छा, आप ये बता सकते हो कि ये जो रिलेशन हो रहा है ये रिलेशन किस तौर पर हो रहा। भैया हम देख रहे हैं कि जो ए के अंदर एलिमेंट है उसमें 1 का जो रिलेट कर रहा वो 2 से रिलेट कर रहा, मतलब 1 का 2 गुना जो भी मेरा इसके अंदर एलिमेंट एक्स के रूप में है, अगर हम लोग एक्स में 2 से मल्टीप्लाई करते तो वो मेरा वाई के अंदर का एलिमेंट निकल रहा और उसी के साथ रिलेट कर रहा है। मतलब अगर हम लोग एक्स 1 में जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आए, तो ये हमारा 2 से रिलेट कर रहा। अच्छा जी, अगर 2 में हम जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई, 4, उसी के साथ ये रिलेट कर रहा। इसी तरह 3 भी अपने 2 गुने 6 से रिलेट कर रहा इसके कारण, ठीक। लेकिन 4 का 2 गुना तो 8 है नहीं इसके अंदर, तो ये रिलेट नहीं करेगा। चलिए, ये बातें तो समझ में आ गई। अब इसके अंदर क्या क्या जो हम लोग पढ़े थे संबंध में, आप मुझे बताओगे इसके अंदर प्रांत क्या होगा? हाँ जी, सह प्रांत क्या होगा? अच्छा जी, और परिसर क्या होगा? अब प्रांत के बारे में जानेंगे। भैया इसके अंदर प्रांत, प्रांत देखना है तो प्रांत देखना है तो अपने अंदर का प्रांत देखो पहले। मेरे अंदर क्या क्या एलिमेंट है? तो जो ए है ये हमारा है, ये मेरा इमेज है, इसके बीच में दर्पण लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है। अब इसकी छवि यहाँ बन रही, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब मिरर के आगे में खड़े होंगे तो मेरे अंदर कौन कौन सा एलिमेंट का वहाँ पर इमेज बन रहा, जिस एलिमेंट का इमेज बन रहा होगा वो हमारा प्रांत कहलाएगा। भैया ये बात है, मेरी आँख का इमेज बन रहा था, आँख मेरे अंदर है, नाक मेरे अंदर है, तो जितना भी मेरा इमेज बन रहा वो सारा एलिमेंट जो है प्रांत कहलाएगा। अब इमेज बन किसका किसका रहा है भैया? 1 का 2 का 3 का, और तो किसी का नहीं बन रहा। ना 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 ना, इसका मतलब 1, 2 और 3 यही तो हमारा प्रांत है। 1, 2 और 3 बिल्कुल सही। सह प्रांत क्या हुआ? सह प्रांत मतलब प्रांत के अलावा भी जो एलिमेंट हो, लेकिन किसमें? इस बी वाले एलिमेंट, बी में जितना एलिमेंट होगा, ध्यान से समझ लो, बी में जितना एलिमेंट होगा सारा का सारा एलिमेंट क्या कहलाएगा? सह प्रांत कहलाएगा। इसका मतलब पूरा का पूरा बी, बी के अंदर क्या क्या है, 2 है 4 है 6 है और 10, ये सारा का सारा एलिमेंट क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा सह प्रांत। भैया ये तो हमको समझ में आ रहा कि तीर देखेंगे, जिसमें तीर रहेगा इस वाले ग्रुप में वो मेरा प्रांत हो गया। प्रांत के बाद जो सह प्रांत और परिसर है सब हम इधर खोजेंगे, आईने में खोजेंगे। अब आईने के अंदर हम खोजेंगे किसके साथ रिलेशन बन रहा है, 2, 4, 6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 10, ये हमारा सहप्रांत हो जाएगा। और परिसर को आप सिंपल समझो, मेरा इमेज जो बन रहा, 1 का इमेज बन रहा, 2 का और 3 का, क्या क्या बन रहा है, 2, 4 और 6, यही सब हमारा परिसर है, ठीक है। 2, 4 और 6 ये हमारा क्या हुआ, परिसर हुआ। ये तो बातें हम लोग समझ चुके थे।
हाँ भैया ये हम समझ चुके थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग फलन नहीं समझते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फलन समझेंगे, तो फलन भी समझ लेते। फलन समझना है ना, एक सिंपल सा ट्रिक। भैया वो सिंपल सा ट्रिक क्या है वो मुझे बताइए। तो फलन के लिए आप इतना समझो, इस वाले समुच्चय जो ये समुच्चय है इसको आप बच्चा मान सकते हो, और ये जो समुच्चय है इसको आप इसकी माँ समझ सकते हो। अगर इतना सा आप अपने दिमाग में बैठा लोगे तो फलन समझ में बिल्कुल आ जाएगा। फलन कहता कि जितना भी बच्चा है सबकी माँ होनी चाहिए, मतलब इसके अंदर जितना भी बच्चा है सबकी माँ होनी चाहिए, मतलब कोई बच्चा अनाथ नहीं रहना चाहिए। फलन ये हमेशा कहता कि अनाथ कोई नहीं रहेगा, सबकी माँ होनी चाहिए। या ये आपने क्या कह दिया। अच्छा ये बताओ क्या ये फलन है, सोचो क्या ये फलन है। अच्छा एक रहती मैं रिकॉर्डिंग देख लेता, सब कुछ ठीक है, एरोप्लेन मोड डाल देने तो तनिक, वरना समस्याएं आ जाती हैं। चल ठीक। हाँ मैंने पूछा क्या ये फलन है, तो आप बोलोगे भैया आपने कहा था कि फलन वही होगा जब उस ए वाले समुच्चय में, जो इस साइड का समुच्चय होगा उसमें प्रत्येक बच्चे की माँ होनी चाहिए, कोई अनाथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक की माँ है दो। समझने के लिए दो की माँ चार है, तीन की माँ छह है, लेकिन चार की कोई माँ नहीं है। ये बहुत ही दुख की बात है, इसलिए ये हमारा फलन नहीं है। ये हमारा क्या है, फलन नहीं है भाई साहब। ये है बात, हाँ जी यही है बात, आपको फलन के बारे में बताना फलन है या फिर नहीं है। अच्छा एक एग्जांपल और लेते हैं। हाँ भैया एक एग्जांपल और लीजिए, एक एग्जांपल और लेते हैं। इसमें मेरा क्या है, वन टू थ्री, इसमें ए है बी, छोटा छोटा लो ए बी, ए है और बी, ए का रिलेशन ए के साथ, दो का रिलेशन बी ए के साथ, तीन का रिलेशन बी के साथ, ये पी है ये क्यू, इस दोनों के बीच रिलेशन बन रहा है आर बन रहा है। ठीक है लो आर, हाँ लो आर रिलेशन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप मुझे बताइए इसका प्रांत क्या होगा, इसका सहप्रांत क्या होगा और इसका परिसर क्या, पहले ये बताना। अच्छा प्रांत सहप्रांत परिसर हम लोग समझ चुके हैं। हाँ भैया हमको सिर्फ और सिर्फ ये बताइए कि फलन है या नहीं, ये फलन है या नहीं, ये सिर्फ आपके दिमाग में यही चलना चाहिए। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ फलन की बात करेंगे, दूजा कोई बात ना करने वाले हम लोग, सिर्फ आप बताओ ये फलन है या फिर नहीं है। तो आप बोलोगे भैया फलन होने के लिए जो भी ए के अंदर एलिमेंट होगा, जिसके अंदर जो भी ए के अंदर एलिमेंट होगा सब का सब, ला 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 ला। चलिए मैं क्या कर रहा था, मैंने कहा कि फलन होने के लिए जो भी इसके अंदर एलिमेंट होगा, मतलब ये हमारा बच्चा है ना, हर एक बच्चे की माँ होनी चाहिए फलन होने के। हाँ भैया ये बातें तो समझ में आई, प्रत्येक बच्चे की माँ होनी चाहिए। ठीक है अब देखेंगे इस वाले फिगर को, आप भली भांति देखो क्या प्रत्येक बच्चे की माँ है, जल्दी से बताओ क्या प्रत्येक बच्चे की माँ है या नहीं है, तो जल्दी बताओगे ना, इसमें लेट किस चीज़ का लगाना, बताओ क्या इसमें प्रत्येक बच्चे की माँ है। तो आप बोलो कि हाँ भैया इसमें बच्चा कौन कौन है, वन वन की माँ ए है, कोई बात नहीं, दो की माँ ये भी ए है, कोई बात नहीं, तीन की माँ बी है, मतलब प्रत्येक बच्चे की माँ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फलन। मैं फलन का डेफिनेशन बताऊंगा, घबराओ मत, ठीक है चल। तो ये क्या हो गया, जो आर है, जो रिलेशन आर है वो फलन है। ये बताओ क्या ये फलन है, तो बस वही करना है। ठीक है क्या देखना, एक की माँ कौन है, दो है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तीन की माँ कौन है, वो चार है, और तीन की माँ छह भी हो गया, क्या एक ही बच्चे की दो माँ हो सकती, बस समझने के लिए समझना है। ठीक है तो यहाँ पर दो की माँ चार भी हो गई, दो की माँ छह भी हो गई, जो कि संभव नहीं है। इसका मतलब ये जो रिलेशन था, जो रिलेशन पी क्यू हम मान लेते हैं, संबंध को एफ फलन मान लेते हैं, ये जो एफ फलन है ये एफ फलन नहीं है, एफ फलन नहीं। आपको ये समझना होगा कि फलन कौन है और फलन कौन नहीं है, इसके बारे में पता रहनी चाहिए आपको। ये हमारा ये एक्स है और ये वाई, इसके बीच रिलेशन बन रहा है जी। आप मुझे ये बताओ क्या ये फलन है भैया, मेरी सारी निगाहें, हाँ मेरी सारी निगाहें जो है इसी बात को ढूंढ रही है, ये फलन है या फिर नहीं। कैसे, यहाँ पर वन, वन की माँ कौन है, ए है, और टू की भी माँ कौन है, ए, ऐसा तो हो सकता ना, मेरी माँ और आयुष भैया की माँ एक ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो, मतलब एक माँ से दो संतानें तीन संतानें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन समस्याएं क्या आती, माँ एक होगी कोई बात नहीं, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए,
समझने के लिए, बस मैं समझने के लिए ये सारी बातें कह रहा हूँ, आप भटक मत जाना, ठीक है जी। हमने क्या कहा, एक की माँ ए है, दो की माँ ए है, तीन की माँ बी है, कोई दिक्कत नहीं, सबकी माँ मिल गई, कोई बच्चा अनाथ नहीं रहा, और सबकी माँ जो मिली है, माँ एक से ज़्यादा नहीं है, हाँ जी, मतलब सबकी माँ मिली, चाहे कोई अनाथ ना रहे, हाँ भैया कोई अनाथ ना रहे, हमको ये देखना, और जो माँ है वो एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बस इतना सा हमको ध्यान में रखना, फलन में कभी दिक्कत नहीं होगा। इसका मतलब ये जो फलन जी है, ये फलन है, फलन है। हाँ भैया, अब जो है सबका आप, इसका इसका और इसका सबका आप जो है प्रांत, सहप्रांत और परिसर बताओ। इसका प्रांत क्या होगा, क्या बता सकते हो भैया? इसका प्रांत एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, इसका प्रांत हो गया। इसका सहप्रांत क्या होगा, अपना इमेज देखो भैया जी, अपना इमेज देखो, इसके इमेज में, इसके प्रतिबिंब में दो चार छः आठ, इस सब का प्रतिबिंब बनना, दो चार छः और आठ, ये सब हमारा प्रतिबिंब की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सारा का सारा मेरा सहप्रांत होगा, और जिसका प्रतिबिंब बनेगा वो परिसर कहलाएगा, परिसर, परिसर कौन होगा, यही दो चार छः आठ, इस तरह आप सबका जो है प्रांत, सहप्रांत और परिसर आपको लिखना अगेन अगेन। हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, तब ना मजा आएगा। हाँ भैया, मजा तो आना चाहिए ना, अगर मजा नहीं आए तो फिर बात किस चीज़ का। चलिए अभी तो हम लोग ये देखें कि फलन क्या होगा। देखो फलन किसको कहेंगे, इसको समझना, फलन वैसे आप समझ चुके हो, जैसे ये ए एलिमेंट, ये बी एलिमेंट, ये एफ रिलेशन बन रहा, हाँ जी, तो एफ सच डेट ए टू बी जो रिलेशन बन रहा है, में ए के अंदर जितना भी एलिमेंट होगा, समुच्चय, समुच्चय ए के अंदर जितना भी एलिमेंट हो रहा, उस सभी का समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक अवयव, कोई छूटना नहीं चाहिए, अगर कोई छूट जाएगा तो अनाथ हो जाएगा ना, इसलिए हम लोग प्रत्येक अवयव का ले रहे हैं। हाँ भैया, मतलब प्रत्येक अवयव का एलिमेंट होने वाला, इसका भी होगा, इसका भी होगा, तीन का भी और चार का भी, मतलब जितना एलिमेंट इसमें है, समुच्चय ए में, सब के सब का जो है आपका प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो जो भी फंक्शन हो रहा, रिलेशन बन रहा है ए से लेकर के बी तक में, उसमें समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, हर एक एलिमेंट का मेरा इमेज बनेगा, प्रत्येक एलिमेंट का, प्रत्येक अवयव का, केवल प्रत्येक एलिमेंट का एक और केवल एक, सिर्फ एक ही बनना चाहिए, इस बातों को ध्यान में रखना, एक और केवल एक प्रतिबिंब, होना चाहिए। हम लोग इतना सारा देखे, हम तभी फलन कहे थे जब समुच्चय ए का जितना भी अवयव है उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब केवल एक और एक ही होना चाहिए, इस बातों को समझना है। मैं प्रतिबिंब, मेरा बोलने से मतलब है सबकी माँ एक ही होनी चाहिए, जो मैं प्रतिबिंब बोल रहा हूँ ना उसको आप माँ से समझो, प्रत्येक एलिमेंट की जो माँ होगी वो एक और केवल एक ही होगी, तभी हम लोग फलन कहेंगे। चलिए हम लोग फलन समझ चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फलन समझ गए, प्रांत, परिसर, सहप्रांत, ये सभी हम लोग समझ गए। हाँ जी, फलन के बाद आपको इसका टाइप में समझना होगा, क्या समझना होगा भैया, कौन एकैकी होता, कौन बहुएकी होता, बहुएकी कैसे होता, बहुएकी, अरे स्पेलिंग गलती नहीं होता क्या, देख लेना, बहुएकी, अरे रहने चल, आगे हमको एकेकी और बहु एक ही समझना है। फलन तो समझ गए, फलन समझ गए भैया, फलन में हमेशा ध्यान रखना, अनाथ नहीं होना चाहिए और प्रत्येक बच्चे की एक माँ होनी चाहिए, बस इसको समझना है, ठीक है। आगे एकेकी और बहु एक ही समझ लेते हैं हम लोग, एकेकी क्या होता और बहु एक ही क्या होता, इसको समझो, मतलब एकेकी ध्यान से समझना, कोई फलन, फलन मैं बोल रहा हूँ ये दोनों फलन होगा, जब फलन हो गया, फलन होने के बाद बताना है एकेकी है कि बहु एक ही, अकेकी क्या हुआ, प्रत्येक एलिमेंट क्या समझना, अकेकी कहता कि एक बच्चा तो एक माँ, समझना,
बता दिए हकीकी है या नहीं है। पहले देखो ये फलन है कि नहीं, फलन होने के बाद फिर बताना है हकीकी है या नहीं है। तो हम लोग फलन देखेंगे। फलन के लिए भैया बोले थे क्या, प्रत्येक बच्चे की माँ होनी चाहिए। यहाँ हर एक बच्चे की माँ है, और माँ है तो अच्छी बात है, और प्रत्येक माँ एक ही माँ है, एक से ज्यादा माँ नहीं है। चलो इसका मतलब ये फलन हो गया। जैसे ही ये फलन होगा तब आपको बताना है कि ये फलन कौन सा है, क्या ये फलन एकैकी है या बहुएकी है। भैया क्या मतलब, एकैकी मतलब हुआ एक बच्चे की एक ही माँ होनी चाहिए, मतलब एक का रिलेशन दो के साथ। हाँ, एक बच्चे की एक माँ, एक बच्चे की एक माँ, तीन का छह, चार का आठ, मतलब ये एकैकी हो। चलिए लेकिन भैया समझ में हमको ना आए ये एकैकी है या नहीं। हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे, चार पांच एग्जाम्पल लेंगे, इसको आज समझ के ही छोड़ेंगे। इसमें घबराना नहीं है आपको, आज समझना है और कुछ ना करना। इसको समझ लो, इसको मैं मिटाऊंगा, ठीक। देखो देखो चलो, अब हम लोग देखेंगे कि एकैकी कौन है और बहुएकी कौन है। चलिए हम आपके सामने बहुत सारा एग्जाम्पल लेके आ रहे हैं। आप इस एग्जाम्पल को तो पूरे ध्यान से देखें। आपका पहला काम है बताना कि ये फलन है या फिर नहीं है। आप पहला काम यही बताओगे, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, आप मुझे बताओ। हाँ भैया बताएंगे जरूर, पूछिए तो सही हमसे। आप मुझे उसमें बताओगे। हाँ एक और क्वेश्चन पहले लिखे तो उसके बाद में पूछूंगा, ठीक। कोई हड़बड़ नहीं है, आराम से लिखेंगे, क्या दिक्कत है। हाँ भैया कोई दिक्कत तो नहीं है, बस जल्दी कीजिए। चलो धीमे चलोगे, चलिए ध्यान दीजिए आप। जो ये पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन में प्रांत, सहप्रांत, परिसर, इसको बताने में तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ना 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 ना, ना कोई तकलीफ ना होगा आपको। अगेन इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप मुझे ये बताओ, इस फंक्शन में जो कि ए से लेकर के ए में जो फंक्शन, ए से लेकर के बी में जो फंक्शन चल रहा, जो कि रिलेशन हो रहा है एफ, आप मुझे इसमें ये बताओगे कि इसमें जो है ये फलन है या फिर नहीं है। तो हम लोग देखेंगे पहले इस टाइप का पूरा एलिमेंट, क्या हर एक एलिमेंट का प्रतिबिंब है, क्या हर एक बच्चे की माँ है। हाँ भैया हर एक एलिमेंट का प्रतिबिंब बन रहा है। चलिए पहला तो कंप्लीट हो गया कि कोई बच्चा अनाथ नहीं है। अब हम माँ को देखेंगे, अब माँ की तरफ जाएंगे। क्या ऐसा कोई एलिमेंट है, समझना मैं क्या कहूँ, ठीक है, ऐसा कोई एलिमेंट है जो कि एक ही बच्चे की माँ है, जैसे दो का, क्या दो ऐसा एलिमेंट है कि जो इसका कम से कम दो बेबी हो जाए। कोई बात नहीं, ऐसे समझो भाई, समझो समझो समझो, समझाने के लिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ आज। कोई बात नहीं, मैंने कहा ध्यान से समझो। आप इधर पूरा का पूरा देखोगे, इस साइड पूरा नज़र दौड़ाओगे, नज़र दौड़ा रहे हैं अपना आज, तो जितना नज़र दौड़ेगा हमको दिखा कि एक दो तीन चार, इसमें जो है प्रत्येक फूल है, कोई खाली नहीं है, मतलब अनाथ कोई नहीं है। चलिए अनाथ कोई नहीं, अनाथ नहीं है वो। उसके बाद देखना है माँ के बारे में। अब माँ को देखना, माँ के बारे में समझना तो अच्छों के लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे बस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब माँ के बारे में हम विचार करेंगे कि इसमें हम लोग देख रहे दो जो है, दो का जो बेबी है वो वन भी और टू है, कोई बात नहीं चलेगी। चार का तीन है, छः का दस, मतलब यहाँ पर हर एक माँ का बेबी। लेकिन हम बस इसी को ध्यान में रखेंगे कि कोई ऐसा एलिमेंट है, कोई एक ऐसा बेबी है जिसकी एक से ज़्यादा माँ, तो देखेंगे एक की एक माँ, दो की एक माँ, तीन की भी एक माँ, चार की भी एक माँ, मतलब सबकी एक ही माँ है, तो ये मेरा फलन हो जाएगा, ठीक। समझना है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक। हो भैया समझ में आ गया कि एफ जो रिलेशन है वो मेरा फलन है। इसमें देखते हैं, इसमें क्या करना भैया जी, पहले देखना ये अनाथ है या नहीं। तो यहाँ इस पूरे ए में हम लोग देखेंगे, ए से बी में रिलेशन बन रहा, ये रिलेशन जी बन रहा। चलो इस पूरे में हम लोग देखेंगे तो मुझे पता चलेगा कि दो सात छः सारा का सारा एलिमेंट का इमेज बन रहा, इसका मतलब ये तो आपका अनाथ नहीं है। चलिए अनाथ ये नहीं। अब देखेंगे माँ के बारे में,
क्या ऐसा कोई एलिमेंट है जिसकी दो माँ है, अगर ऐसा दिख गया तो वो मेरा फलन नहीं है। तो देखते हैं, ऐसा कोई एलिमेंट जिसकी दो माँ हो, दो की एक माँ एक ए है, सात की भी एक ही माँ है बी, छह की भी एक ही माँ है वो है बी। तो इस तरह हम लोग देखें तो प्रत्येक एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा, एक से ज्यादा इमेज नहीं बन रहा, इसका मतलब ये जो है फलन है जी, मेरा फलन। मेरे ख्याल से अब जो है सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही है। हाँ जी, अब इसमें देखेंगे, इसमें क्या है, ए से ए में रिलेशन मेरा बन रहा, रिलेशन मेरा एस बन रहा। चलो अब बताना है ये जो एस जो रिलेशन बन रहा ए से ए नहीं, ए से बी, चल ए से बी करने के साथ हम पी से क्यों कर रहे थे। इसमें जो मेरा रिलेशन बन रहा, अब बताना है ये मेरा फलन है या फिर नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखेंगे, क्या देखेंगे भैया जी, कोई खाली भी है, अनाथ भी कोई है, क्या पी अनाथ है, पी में कोई बच्चा अनाथ भी है। तो देखेंगे सबका प्रतिबिंब बन रहा, सबकी माँ है, इसका मतलब कोई अनाथ नहीं है। चलिए पहला काम हो गया। दूसरा काम देखना हमको कि जितना भी यहाँ पर बच्चा है क्या सबकी माँ है, सबकी एक ही माँ होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। तो एक की माँ एक्स है, दो का प्रतिबिंब वाई है, तीन का प्रतिबिंब जेड है, चार का प्रतिबिंब जेड है, मतलब सबकी माँ एक ही है, एक से ज्यादा नहीं है। इसका मतलब ये भी हमारा फलन है। एस क्या है, फलन है। बहुत अच्छा, अब इसमें देखते हैं रिलेशन जो है एफ मान लेते हैं रिलेशन। चलो अब मुझे ये बताओ, ये जो रिलेशन बना, ये जो संबंध बना, ये संबंध फलन है या फिर नहीं है। तो हम इस एस की तरफ आएंगे और देखेंगे कि कोई एलिमेंट बच भी रहा है। तो हम यहाँ ध्यान देंगे, कोई तो एलिमेंट नहीं बच रहा, बिल्कुल सही, इसमें कोई एलिमेंट नहीं बच रहा, मतलब ये अनाथ नहीं है। चल बातें समझ में आई। उसके बाद हरीफ की माँ को देखेंगे, दो की माँ ए भी, चार की माँ बी भी, और पाँच की भी माँ बी भी। बस आपको ये देखना है कि हर एक बच्चे की एक ही माँ होनी चाहिए, एक से ज़्यादा माँ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं दो की एक ही माँ है, बिल्कुल सही, चार की भी एक ही माँ है, बिल्कुल सही, पाँच की भी एक ही माँ बी है, और छह की भी माँ सी है। इसका मतलब ये फलन है। बस हमको दो चीज़ ही देखना, कोई अनाथ ना रह जाए और सबकी एक माँ होनी चाहिए। दो माँ ना हो, जैसे ला 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 ला, एक दो तीन चार, दो चार छः आठ। हाँ जी, अब मैंने क्या कहा, अनाथ कोई ना हो, सबका रिलेशन बनाएंगे। चलो ऐसा रिलेशन हम लोग बना लें अगर ये रिलेशन चार से नहीं रहता तो हम लोग देखते ए को, ए में वन है, टू है, थ्री है, फोर, किसका किसका रिलेशन बन रहा। तो वन का बन रहा, टू का बन रहा, थ्री का बन रहा, और किसी का नहीं बन रहा। ना। अब हमको फलन चेक करना ना, जो रिलेशन बने बनाए हमको उससे कोई काम नहीं है, हम सिर्फ फलन पर विचार करेंगे, फलन है कि ना है। तो पहली बात, अनाथ है कि नहीं है, इसमें हर एक बच्चे की माँ है, भैया चार की माँ नहीं है, इसका मतलब ये अनाथ हो गया तो फलन नहीं। पहली बात, सर की माँ होनी चाहिए, चार का रिलेशन आठ से, हाँ भैया, इसका मतलब अब देखो तो वन टू थ्री फोर सबकी माँ है, इसका मतलब ये अनाथ तो नहीं है, इसमें कोई भी बच्चा अनाथ नहीं है। तो पहली बात हो गया। दूसरी बात, सबकी एक माँ होनी चाहिए, तो एक का इमेज दो है, दो का इमेज छः है, तीन का इमेज चार, तो एक ही इमेज है, चार का भी एक ही इमेज है, प्रतिबिंब एक ही है। देखो अभी तक हम लोग माँ और बच्चे से समझ रहे थे, धीरे धीरे आपको शिफ्ट होना होगा प्रतिबिंब के तरफ। मैं जब प्रतिबिंब कहूँगा ना, आपको अपने इमेज में माँ को लाना है, मतलब जो नहीं आ सकता लेकिन फिर भी मैं समझने के लिए कह रहा था, ध्यान में रखना, सबकी एक माँ थी, इसका मतलब ये हमारा फलन है। अब कब भैया एक ही बच्चे की दो माँ कैसे हो जाएगी, अगर ये दो का रिलेशन चार से रहता, तीन नहीं रहता, तब तो ये फलन नहीं होता। क्यों, इस दो की दो माँ हो गई, चार भी हो गया और छः भी हो गया, मतलब दो का दो इमेज बन गया, दो का इमेज चार भी बन गया और दो का इमेज छः भी बन गया, यहाँ पर ये फलन नहीं होगा। बस इसको ध्यान में रखना है आपको। क्या कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है, नहीं ना। इस तरह हम लोग फलन बताएंगे, फलन है या नहीं, ये फलन है कि नहीं, कोई बच्चा अनाथ नहीं है, नहीं, कोई छूट नहीं रहा इसे। और प्रत्येक का प्रतिबिंब एक होना चाहिए, दो का प्रतिबिंब एक ही है, चार का ही प्रतिबिंब एक ही है, पांच का ही प्रतिबिंब एक ही है, और छह का प्रतिबिंब भी एक ही है, सी। चलिए प्रत्येक का प्रतिबिंब है, इसका मतलब ये हमारा फलन है, एफ फलन है। जो फलन हो जाएगा उसके बाद बताना है कौन एकेकी है, कौन बहुएकी, मतलब एकेकी को हम लोग वन वन कहते हैं, इधर भी वन इधर भी वन, मतलब प्रत्येक बच्चे की एक माँ, एक बच्चा एक माँ, तो ये हुआ वन वन, उधर भी एक होना चाहिए, इधर भी एक, एक वस्तु का एक ही इमेज, एक से ज्यादा इमेज नहीं होना है। बहुएकी क्या हुआ, इधर बहुत सारा, ए में बहुत सारा मेनी, और एक ही मतलब वन, इस साइड एक ही इमेज होना चाहिए, जैसे यहाँ
बहुत सारा चार भी और पांच भी, इस दोनों का एक ही इमेज है, तो ये बहुएकी कहलाएगा, मेनी वन कहलाएगा। पहले विचारेंगे ना एक एक ही है या नहीं। देखो यहाँ, क्या इसमें प्रत्येक का एक ही इमेज बन रहा, क्या प्रत्येक की माँ एक ही है, इसको देखेंगे। समझते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इधर एक बच्चा तो एक ही माँ, एक माँ की एक बच्चे, ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो भैया, यहाँ पर एक और दो का इमेज जो है दो बन रहा, मतलब समझना मैंने क्या कहा था, एक वस्तु और एक इमेज होना चाहिए। यहाँ पर इमेज जो है एक इमेज और दो वस्तु हो गया, नहीं नहीं, एक इमेज वस्तु का एक ही इमेज होगा तब वो एक ही कहलाएगा, वन वन कहलाएगा। समझ में आ रहा? हाँ भैया समझ में आ रहा। जैसे यहाँ पर एक का इमेज दो बना, दो का इमेज चार बना, दो का इमेज दो बना, तो यहाँ पर एक वस्तु का एक इमेज तो बन रहा, तभी तो ये फलन हुआ। लेकिन यहाँ पर जो है वस्तु एक, मतलब प्रतिबिंब एक है, वस्तु दो हो गया, एक का भी प्रतिबिंब दो और दो का भी प्रतिबिंब दो। ना 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 दया, कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब ये क्या है, एक एक ही नहीं है, बहु एक ही है। इधर जो है एक से ज्यादा एलिमेंट का इमेज बन रहा है, इसलिए ये मेरा बहु एक ही है, जिसको हम लोग कहते हैं मेनी वन, मेनी वन। बहुत अच्छा, इसको क्या कहेंगे, बहु एक ही। चल ये बताओ तो क्या है। तो भैया इसमें देखते, दो का, दो की माँ तो एक, सात की माँ भी और छह की माँ भी, फिर से यहाँ वही हो गया, ये एक एक ही नहीं है, एक ही माँ के दो बच्चे हो, नहीं एक ही माँ के एक ही बच्चे होने चाहिए, दो बच्चे नहीं, समझना है, एक ही माँ के कितने पुत्र, एक ही पुत्र चाहिए, दो से ज्यादा नहीं, एक से ज्यादा नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही माँ के एक ही पुत्र होने चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये बहु एक ही हो जाएगा, बहु एक ही मतलब मेनी वन। बातें समझ में आ रही? हाँ भैया। ये क्या होगा भैया, ये भी आपका देखते हैं क्या होता, एक का इमेज एक्स, दो का इमेज वाई, तीन का इमेज जेड और चार का इमेज जेड, मतलब जेड का दो वस्तु है, जेड इमेज का कितना वस्तु, दो वस्तु। मैंने कहा था जितना इमेज उतना ही वस्तु, एक इमेज का एक वस्तु, जेड इमेज का सिर्फ एक वस्तु होना चाहिए, यहाँ दो वस्तु आ गया, मतलब एक माँ की दो संतानें आ गई, जो कि नहीं चलेगा, एक माँ की एक ही संतान चलेगी। तो यहाँ पर ये क्या है, मेरा बहु एक ही, इधर बहुत सारा एलिमेंट और इधर एक ही फोटो बन रहा, इसलिए ये बहु एक ही कहलाएगा। बातें समझ में आ रही होंगी? ये मेरा क्या कहलाएगा, अकेकी या बहु एक ही, तो देखेंगे अकेकी है या बहु एक ही। तो यहाँ ध्यान देंगे तो हर एक वस्तु का एक इमेज बन रहा, लेकिन यहाँ पर चार का बी बन रहा, पांच का बी बन रहा, मतलब एक ही माँ की दो संतानें हो गई, नहीं एक माँ की एक संतान होनी चाहिए, तो ये भी हमारा बहु एक ही, मतलब कोई भी अकेकी नहीं है, ये भी हमारा क्या है, बहु एक। अच्छा हम लोग अकेकी का भी एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे ये हरि का एक ही इमेज बन रहा है ना, अच्छा लो छोड़ा नहीं, ठीक हरि का एक ही इमेज बन रहा, हाँ भैया इसका मतलब ये क्या है, अकेकी। बातें समझ में आ गई? इसके बाद अकेकी और बहु एकी तो समझ में भैया आ गई, लेकिन उसके बाद जो है हमारा आच्छादक और अंतःच्छेद, या वो आच्छादक भी कहते हैं, वो आच्छादक, अरे ओंटो, इसको ओंटो कहते हैं, आच्छादक इसको इंटो कहते हैं, इंग्लिश समझो, हिंदी में कंफ्यूज मत करना, ठीक है। अगेन ये आच्छादक क्या होता, ये वो आच्छादक बोलो, या इसको कहीं कहीं लिखा था अंतःच्छेद ही लिखा था, अंतःच्छेद ये लिखा रहा था, तो दोनों में से कोई एक यूज करना है आपको, ठीक ओंटो इंटो देख लेते हैं। चलो आच्छादक मतलब पूरा छा जाना, यहाँ पर देखो कोई खाली भी है कि इमेज पूरा छा गया, तो इसमें जो है बी का ये 10 खाली कोई नहीं रहेगा, सारा का सारा भरा रहेगा, तो उसको आच्छादक है, ठीक। आच्छादक तभी बताना जब फलन हो जाए, तभी हम बताएंगे आच्छादक है या नहीं, ठीक है। तो ये फलन है, तो बताओ ये आच्छादक होगा कि नहीं होगा, तो भैया ये जो है हमारा आच्छादक नहीं होगा, ये अंतःक्षेपी या फिर वो आच्छादक होगा, आच्छादक, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ना ना ना, जिसको हम लोग कहते हैं इनटू। ये बताओ ये क्या होगा, भैया हम सिर्फ इमेज को देखेंगे, आईने में टुकुर टुकुर देखेंगे, देखेंगे कोई खाली भी है, मेरा पैर का इमेज बन रहा, सब पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी का इमेज बन रहा कि नहीं बन रहा। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर सबका इमेज हो रहा, कोई एलिमेंट खाली नहीं रहा, इसका मतलब ये आच्छादक, जिसको हम लोग कहते ऑनटो। बहुत अच्छा, ये देखो तो इसमें भी सबका सब भरा हुआ है, कोई खाली नहीं है, ये भी मेरा आच्छादक ऑनटो, आच्छादक इसको कहेंगे, ऑनटो को, बिल्कुल सही। इसमें भी कोई खाली रह रहा क्या भैया, नहीं कोई खाली नहीं रह रहा, तो ये भी हमारा क्या है भैया, ये क्या है,
इतना पहले जो बनाने के लिए दिया था, अच्छा रहा कि आपका जो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, वरना आपको बनाना पड़ता सारा का सारा। चलो यहाँ ध्यान दो, प्रतिलोम फलन की तरफ। इससे पहले हम लोग, मैंने आपको कुछ बनाने के लिए दिया था, जो फंक्शन रहा, जो फंक्शन था, वो फंक्शन उठा के यहाँ पर, इसके आगे का क्लास करने से पहले आप अपनी प्यारी सी कॉपी जो है ना मेरे पास लाओगे और बोलो भैया इसमें आप कुछ लिख दीजिए, उसके बाद हम आगे क्लास करेंगे। मैं कुछ लिखूंगा नहीं, कुछ बनाने के लिए दूंगा। अब मैं फिर से क्वेश्चन नहीं लिखने वाला, आपके कॉपी में ही डायरेक्ट मैं क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है। चलो, हम लोग देख लिए फलन क्या होता, हकीकी फलन क्या होता और आच्छादक फलन क्या होता, इसको हम लोग समझ चुके हैं। हाँ भैया, अब हम लोग प्रतिलोम फलन की तरफ आएंगे। प्रतिलोम फलन क्या भैया, इसको हम लोग कहेंगे प्रतिलोम फलन। फलन तो हम लोग समझ गए, फलन क्या होता, फलन हम लोग अच्छे से समझ गए हैं कि फलन होता क्या है। हाँ भैया, ये तो बातें हम लोग समझ चुके हैं कि फलन क्या होता है। चलिए बताओ ये फलन है या नहीं है। तो पहले हम इसको देखेंगे, क्या एक खाली भी है? नहीं, खाली नहीं है, मतलब कोई अनाथ। चलिए काम हो गया। दूसरा चीज़ मैंने क्या कहा कि ऐसा कोई एलिमेंट, एक एलिमेंट है जिसकी दो माँ, तो देख रहे हैं एक की एक माँ, दो की एक माँ, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं जिसकी दो माँ नहीं, इसका मतलब ये फलन हो गया। ये क्या हो गया? फलन। जब फलन हो जाए उस वक्त बताना है हमको ये मेरा प्रतिलोम फलन है या नहीं है। तो देखो, कोई भी संबंध प्रतिलोम फलन होता है, यदि वह अकेकी और आच्छादक। भैया क्या कह दिया, दिमाग के ऊपर से निकल गया, मतलब वन वन हो और ऑनटो होना चाहिए, तब तो वो मेरा क्या होगा, प्रतिलोम फलन कहलाएगा। तो क्या ये वन वन है? पहले तो हम लोग फलन देख लिए भैया, हाँ फलन है, मतलब कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिला जिसका दो इमेज बने, कोई ऐसा इसमें एलिमेंट है जिसका दो इमेज है, मतलब कोई ऐसा बच्चा जिसकी दो माएँ हो, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिला, इसका मतलब ये फलन हो गया। उसके बाद की बात है कि यह एकेकी है या नहीं, तो देखेंगे प्रत्येक एलिमेंट का एक ही एलिमेंट होना चाहिए, एकेकी में छिपा हुआ वन वन, इधर भी वन तो इधर भी वन, तो देख रहे हैं एक का प्रतिबिंब दो, दो का प्रतिबिंब तीन, तीन का प्रतिबिंब चार, चार का प्रतिबिंब पाँच, ये मेरा एकेकी है। एकेकी कब नहीं होता? जब ये दो इधर में जा करके इधर चल जाता, मतलब यहाँ पर एक और दो, दोनों की माँ जो है ये दो है, दोनों की माँ क्या है, एक ही माँ, मतलब एक ही माँ की दो संतानें, एकेकी नहीं, मतलब हर एक माँ की एक ही संतान होनी चाहिए तभी बोल रहे हैं। बिल्कुल सही, चल बातें समझ में आ गई, ये मेरा एकेकी होगा। चल प्रतिलोम फलन के लिए एकेकी होना चाहिए जिसको हम लोग वन वन कहते, और आच्छादक होना चाहिए। आच्छादक मतलब क्या, हम इधर देखेंगे क्या सारा का सारा एलिमेंट भरा हुआ है, अगर सारा का सारा एलिमेंट भरा हुआ होगा तो आच्छादक कहलाएगा, अगर सारा का सारा एलिमेंट में कुछ खाली हो जाए, जैसे यहाँ पर एक का इमेज नहीं बन रहा, ये खाली, तो ये मेरा आच्छादक नहीं होगा, ये ओ आच्छादक हो जाएगा, क्या ऑनटो, मतलब इनटो हो जाएगा। भैया समझ में आ गया, ये इनटो हो गया, बिल्कुल समझ में, बहुत अच्छा। अगर यहाँ पर एक नहीं रहता तो इसमें कोई खाली नहीं है, सबका प्रतिबिंब बना हुआ है, तो इसको हम लोग कहते क्या, ऑनटो आच्छादक। तो प्रतिलोम मतलब ये जो प्रतिलोम फलन है ये तभी इनवर्स फंक्शन तभी होगा जब वो फलन हो, फलन है एकेकी हो, एकेकी भी और आच्छादक हो, आच्छादक भी, जब ये तीनों हो जाएगा तब जाकर के वो क्या होगा, वह प्रतिलोम फलन हो सकता है, प्रतिलोम फलन हो, तो उसको हम लोग प्रतिलोम फलन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें समझ में आई या समझ में नहीं आई, कुछ आप बनाओगे। चल उस वक्त तो मिट गया था, मतलब वो स्पेस फुल हो गया था, तो आप बच गए, अब आपको बचने नहीं देना, अभी भी स्पेस फुल नहीं है ना, नहीं। चल यहाँ SD कार्ड की पावर, इसको मिटाना नहीं है तो मिटा दे क्या, अरे मिटाना क्यों, आपको बताना है ना। चल इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि प्रतिलोम फलन है या नहीं, मतलब प्रतिलोम फलन इसका होगा कि नहीं होगा, ये बताना। चलो पहला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, बस वही रिलेशन बन रहा ए बी सब में, मैं ए बी नहीं लिखने वाला, आप लिखना, ठीक है खुद से लिख लेना ए बी, बस आपको सही सही बनाना है,
मंगल भवन अमंगल भारी, द्रवहुं सुदशरथ अजीव बिहारी, दीना दयाल रसमहारी, हरहुं नाथुं शंकर प्रभारी। अरे माता जी छुट्टी है। चलो चार क्वेश्चन है, चारों को बताना है कि प्राण सप्राण परिसर क्या है, ठीक। उसके बाद आपको बताना है अकेकी है या बहुएकी है, उसके बाद बताना है कि आच्छादक है या अच्छादक, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ है, आराम से बता सकते हो। हम दो चीज़ पूछते हैं, क्या ये फलन है, तो आप बोलोगे भैया कोई खाली नहीं है, ठीक। और कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी दो माँ है, ऐसा भी नहीं है, तो ये मेरा फलन है, फलन है। जब फलन हो गया तब बताना है आच्छादक और अच्छादक। फलन हो गया मतलब आच्छादक और आच्छादक एकेकी बहुएकी, तब मतलब तब बताना है जब वो फलन हो जाए तब। तो बताओ ये एकेकी है, तो हम देखेंगे एकेकी मतलब सब एक एलिमेंट का एक इमेज बनना चाहिए, ए का इमेज जेड है, बिल्कुल सही। मतलब ऐसा कोई माँ नहीं हो जिसकी दो संतान, हर एक माँ की एक संतान एकेकी मतलब। तो ए का इमेज जेड, बी का इमेज वाई, सी का इमेज एक्स, सब एक बच्चा एक माँ, एक एलिमेंट एक इमेज, तो ये मेरा एकेकी हो गया। एकेकी हो गया मतलब ये हमारा वन वन हो गया। उसके बाद एकेकी हो गया, अब हमको देखना कि ये आच्छादक है या नहीं। तो इधर देखें क्या एलिमेंट कोई खाली भी है, नहीं खाली नहीं है, तो मतलब ये आच्छादक है, मतलब ऑन टू। इस तरह आपको बताना है, सारा का सारा बताना है। अगर ये तीनों हो गया अतः फलन प्रतिलोम फलन होगा, अतः फलन प्रतिलोम फलन होगा, ये सब बनाना है आपको। चलो हम लोग प्रतिलोम फलन समझ गए, अभी आज हम लोग क्या क्या देखें इस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में। अब मेरा बस आज भर के लिए इतना ही, इसके बाद हम थोड़ा देर रिविजन करेंगे फिर क्लास में। अभी हम लोग देखें संबंध देख लिए, फलन देखे, प्रतिलोम फलन देख लिए, त्रिकोणमितीय में कुछ अभी हम लोग रिविजन कर लेंगे फिर काम खत्म। फिर फलन देखे तो मतलब फलन कौन होगा कौन नहीं होगा, एकेकी कौन है कौन बहुएकी है इसको भी देखे। उसके बाद आच्छादक और ओ आच्छादक इसको भी देखे। ओ आच्छादक को हम लोग अंतरक्षेपी भी कहते, तो बातें समझनी है। चल ठीक, अब हम लोग कुछ रिविजन करेंगे। चलिए रिविजन करेंगे, रिविजन तो हम करेंगे, रिविजन तो हम करेंगे, ये किसका वैल्यू साइन कॉस टेन कॉट। ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है, जल्दी बताओ। मैं डिग्री नहीं लिख रहा हूँ, डिग्री आपके लिए लिखना आपको। ये पहला, मैं आपके समय मात्र पांच क्वेश्चन लिखूंगा और आपको पांच में पूरे पांच मार्क्स लाने हैं, ठीक है। चलिए बताइए, ये जो है आपका कोई बीमारी नहीं चलेगी पहली बात, ठीक। बताओ तो वन बाय टू साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस किसका वैल्यू है, कितना डिग्री वो भी आप बताओगे और किसका किसका है वो भी आपको बताओगे। जल्दी बताओ, वन बाय टू हल्दी हल्दी, वन बाय टू किसका है ईमानदारी पूर्वक। तो भैया बोलोगे वन बाय टू ये तो साइन तीस डिग्री है, और क्या है भैया, और ये आपका साइन तीस डिग्री भी है और कॉस में साठ डिग्री। चलिए बहुत अच्छा, मजा आ गया। अच्छा ये बताओगे साइन तीस डिग्री, अच्छा साइन तीस डिग्री तो वन बाय टू, कॉस तीस क्या होता जल्दी से भैया, कॉस 30 डिग्री मेरा होता है रूट थ्री बाय टू, टेन 30 डिग्री होता है, टेन 30 डिग्री कितना होता है भैया वन बाय रूट थ्री होता है, कॉट 30 डिग्री कितना होता रूट थ्री होता है, सेक 30 डिग्री कितना होता भैया सेक 30 डिग्री, तो भैया सेक 30 डिग्री होता है टू बाय रूट थ्री होता है, ठीक। और कोसेक 30 डिग्री होता है दो, ये हम लोग जानते हैं। अच्छा सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा क्वेश्चन, आप मुझे ये बताओगे वन किसका वैल्यू होगा, किसका किसका वन होता। तो पहली बात दिल से बताओ वन किसका किसका होता, ऑप्शन नहीं चूज करना, आपको बताना है कि वन किसका किसका होता है, ये ऑप्शन वाला सवाल खत्म। अभी आपको बोलना है इसका 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 वन होता है। तो पहले साइन में वन होता, तो हाँ साइन 90 डिग्री वन होता बिल्कुल से, और वन किस में होता कॉस में वन होता, होता भैया कॉस 0 डिग्री,
बार किस में वन होता है? 10 में 1 होता है। हाँ भैया होता है 10 में 1, 10 45 डिग्री। उसके बाद कॉट में 1 होता है? हाँ भैया कॉट में 1 होता है। कौन होता है कॉट में 1 जल्दी से? सेम कॉट 45 डिग्री। सेक में 1 होता है? हल्दी हल्दी सेक में 1 होता है, जल्दी से बताया जाए मुझे। जब कॉस 0 डिग्री 1 होगा, इसी का उल्टा करेंगे 1 होगा, तो सेक 0 डिग्री आपका 1 होगा। क्या क्या कोसेक में 1 होता? तो बोलोगे भैया जब साइन में 1 किस में होता है? साइन 90 डिग्री में, तो साइन 90 डिग्री में 1 होगा। 1 का ठीक उल्टा करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1/1 है ना, इसका उल्टा कर देंगे 1 ही रहेगा, मतलब कोसेक में ही 1 होगा, कोसेक 90 डिग्री। चलिए ये बातें समझ में आई। सेकेंड क्वेश्चन भी आपका हो गया। थर्ड क्वेश्चन आपको बताना है, थर्ड क्वेश्चन ये बताना है कि रूट थ्री किसका वैल्यू होता है? जल्दी से रूट थ्री किसका वैल्यू होता है? रूट थ्री। तो आप बोलोगे भैया रूट थ्री साइन में तो रूट थ्री नहीं आता, बिल्कुल सही, कॉस में भी नहीं आता, टेन में आता। तो टेन कितना डिग्री रूट थ्री होता है? पहले मेरे बोलने से पहले आपको समझ लेना है टेन में कितना डिग्री में रूट थ्री आता। तो टेन में भैया 60 डिग्री में आपका रूट थ्री आता। कॉट में रूट थ्री कब आता भैया? कॉट में रूट थ्री तो ये आपका 30 डिग्री में आता, बिल्कुल सही। सेक और कोसेक में भैया नहीं होता। इस तरह से बताना है आपको। अच्छा ये बताओगे साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा? भैया साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा? तो रूट थ्री बाई टू। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा? कॉस 60 डिग्री का मान भैया 1/2 होगा। टेन 60 डिग्री का मान भैया 10 60 डिग्री का मान रूट थ्री होगा। कॉट 60 डिग्री का मान भैया 1/√3 होगा। सेक 60 डिग्री का मान भैया सेक 60 डिग्री का मान ये तो आपका 2 हो जाएगा, और कोसेक 60 डिग्री का मान ये 2/√3 हो जाएगा। कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं ना? अब ठीक है आपका, ये बातें तो आपको समझ में आ गई। अगेन चौथा क्वेश्चन बहुत प्यारा सा, ये हम इसलिए ले रहे हैं आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए डिग्री मान, वरना क्या पता डिग्री मान क्या करके बैठे हो आप, क्योंकि आगे जो सवाल बनाओ भी इस तरह का साइन इनवर्स साइन। अच्छा मैं बताऊंगा अभी इनवर्स, मैं क्वेश्चन पूछूंगा इनवर्स ना, अभी इनवर्स कुछ पता ही नहीं आपको, आपने पढ़ा हुआ है ना, पढ़ा हुआ है। चलिए चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपको ये बताना है कि 2 किसका किसका वैल्यू होता? क्या साइन में 2 किसी का वैल्यू होता? नहीं होता। कॉस में सोचो अपने में याद होगा इस तरह आपको 2 किसी का वैल्यू होता या नहीं होता? टेन में नहीं होता, कॉट में नहीं होता, सेक में हाँ होता है। सेक कितना डिग्री का मान और कॉस कितना डिग्री का मान जो है आपका 2 होता। तो आप बोलोगे भैया सेक में सेक 60 डिग्री का मान आपका 2 होता, बिल्कुल सही। कोसेक में कोसेक 30 डिग्री का मान आपका 2 होता। ये तो मुझे समझ में आ गया। अच्छा आप मुझे बताओगे साइन 90 का मान कितना होता? भैया साइन 90 का मान भैया साइन 90 का मान 1 होता। कॉस 90 का मान कितना होता? कॉस 90 का मान मेरा 0 होता। हाँ जी टेन 90 का मान कितना होता? टेन 90 इन्फिनिटी होता। कॉस 90 कितना होता भैया? कॉट 90। तो कॉट 90 अच्छे सर, अच्छे से आपको रहना है जी, बातों को समझना है वरना पिट जाओगे। हाँ कॉट 90 आपका 0 होता। सेक 90 क्या होगा भैया? ये तो मुझे नहीं पता सेक 90 क्या होगा, सेक 90 कैसे जाने क्या होगा? अरे इन्फिनिटी होता है। कोसेक 90 क्या होता? इसका 1 होता है। ये सब हम आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है? बातें समझ में आई? हाँ जी। चलिए लास्ट क्वेश्चन, डिग्री मान अच्छे से कंप्लीट करना है भाई, कोई गलती नहीं चलेगी, ठीक। पांचवा क्वेश्चन, आप मुझे ये बताओगे इन्फिनिटी किसका किसका होता है? भैया साइन में तो इन्फिनिटी नहीं होता, नहीं। कॉस में इन्फिनिटी नहीं, टेन में इन्फिनिटी नहीं, ये आप मुझे बताओ ठीक, किसका किसका होता है ये बता के जल्दी आओ मेरे पास। चलो आज के लिए इतना, अब रहने देते, सारा फॉर्मूला याद कर लेना ठीक है, जितना आप पढ़े हो 10th 11th में। अब तो सिर्फ फॉर्मूले का ही खेल चलने वाला। चलो